أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स। सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स यूजिंग द मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम जिस तरह हमने जो है ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था कि जो हर एक पॉइंट पे जो अब ये हर एक पॉइंट से लेके हर एक पॉइंट के दरमियान के जो लाइन है जितने भी पॉली लाइंस अब वो तो लाइन ड्राइंग है ठीक है। तो एक पॉइंट से अगले पॉइंट एक पिक्सल से अगले पिक्सल तक का था मगर ये भी जो है सर्कल हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ पॉली लाइंस है। तो एक्चुअली जो पॉली लाइंस अब ये देखिए ये सर्कल है तो एक पॉइंट ये सर्कल के बाउंड्री से ऊपर है कुछ नीचे है तो ये फिर ये डिसाइड होगा कि कितना नीचे है कितना ऊपर है तो ये उस किस वाले पिक्सल को वो लेगा किस क्योंकि हर एक जो है वो पिक्सल पॉइंट पे है ठीक है। हर एक जो है सर्कल की जो वैल्यू हुई वो तो डिफरेंट दरमियान में तो ये वाला जो पिक्सल है इधर काउंट होगा इधर काउंट होगा कितना इससे डिफरेंस इस पॉइंट डिफरेंस कम है तो ये वाला काउंट हो इस तरह से डिफरेंस कम ये वाला काउंट हो रहा है। इस तरह हमने मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम में सॉरी ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिदम में पढ़ा था। तो ये भी हर एक पॉली लाइन जो है हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम इज इन द ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिदम वी ड्रा अ डिसीजन पैरामीटर। इधर भी डिसीजन पैरामीटर यूज़ होगा कितना ये पॉइंट ऊपर या नीचे से गिवन पॉइंट से ठीक है। दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर आर नॉट टू इंक्रीमेंट इन द वाई कोऑर्डिनेट अगेंस्ट इंक्रीमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हमने कितना इंक्रीमेंट करना है। अब ये ऊपर गया ये इंक्रीमेंट ये जो है ये नीचे नहीं आया वाई की वैल्यू चेंज नहीं हुई ठीक है। फिर इसमें इधर चेंज हुई है क्योंकि अब ये डिसाइड करना है इस पॉइंट से इधर आ रहा है ना तो ये वाली असल जगह है ना तो ये भी ले सकता था मगर ये डिस्टेंस कम है तो ये डिसीजन स्टेटमेंट जो है ये डिसीजन इन केस ऑफ ब्रेसनहेम्स है ठीक है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है ये सर्कल इधर है ठीक है ये और पॉइंट ये है तो ये डॉट इधर भी हो सकता था तो डिसीजन इस बेस से होगा कि ये कितना इसका डिफरेंस है तो इससे ये एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है ये एल्गोरिदम ठीक है। डिटरमाइन वेदर आर नॉट इंक्रीमेंट इन द वाई कोऑर्डिनेट अगेंस्ट द इंक्रीमेंट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट आर वाइस वर्सा फॉर स्लोप ग्रेटर देन वन ठीक है। स्लोप ग्रेटर देन वन मीन जो है ज़ीरो नहीं होगा इधर इस केस में ज़ीरो है ठीक है। तो अगर ये है तो स्लोप ज़ीरो है ठीक है या इधर ये तो स्लोप ज़ीरो होगा मतलब चेंज नहीं है डायरेक्शन में चेंज नहीं है। अगर यूँ आया है इट मीन्स स्लोप है दरमियान में दो पॉइंट्स के इधर भी स्लोप है इधर भी स्लोप है। अब इधर जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप नहीं है ठीक है मैक्सिमम स्लोप है सॉरी। और अगर ये है तो इसके दरमियान स्लोप ज़ीरो है एंगल नहीं बना रहा। सिमिलरली हेयर वी विल ट्राई टू डिराइव डिसीजन पैरामीटर विच कैन गिव अस क्लोजेस्ट पिक्सल पोजिशन क्लोजेस्ट से मैंने बताया कौन से पोजिशन से किस से ज़्यादा क्लोज हैं। सो लेट अस कंसीडर ओनली द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्कल जिस ऑक्टेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में रेडियस आर कंसेंट्रेटेड इन द ओरिजन ठीक है। सेंटर्स का ओरिजन हो वी गैन बिगन बाय द प्लॉटिंग पॉइंट आर कॉमा ज़ीरो एंड ड्रा एंड विन x is less than y. The decision of the each point step each step is whether to choose the pixel directly above the current pixel or the pixel ke humne kaun se step pe aage jana hai aaya pixel upar jayega ya niche jayega depend karega to ye decision statement is lihaz se hoga ye is difference ke lihaz se hoga theek hai in which is above and to the left eight way stepping eight-way symmetry sir humne last mein discuss kiya tha. सो एज्यूम पी इज इक्वल टू एक्स आई वाई आई ठीक है ये पिक्सल है ये पॉइंट है ठीक है। इसका एक्स आई वाई आई जो इनिशियली है इज द करंट पिक्सल टी आई एक्स आई कॉमा वाई आई प्लस वन इज़ द पिक्सल डायरेक्टली अबव क्योंकि अबव ये ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है ठीक है डायरेक्टली अबव बिल्कुल ऊपर एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आया और वाई में चेंज आया है ठीक है। एस आई एक्स आई माइनस वन ठीक है कॉमा वाई आई प्लस वन इज द पिक्सल अबव एंड टू द लेफ्ट अबव एंड टू द लेफ्ट ऊपर भी गया है ठीक है और लेफ्ट में तो इधर से अगर ये है अबव तो क्या है एक्स की वाई की वैल्यू चेंज हो गई है मगर साथ में एक्स की वैल्यू इधर से लेके इधर आई है तो डिक्रीमेंट हुई है ये एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है
और y की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हुई है, तो x माइनस एक्स आई माइनस वन हो गया है और y के साथ प्लस वन हो गया है। अब कितना गया है, वन पॉइंट इधर गया है और वन पॉइंट ऊपर गया है, तो लाइन बड़ी लगाई है मगर इतना है, ठीक है। अगर ये इस तरह ये लाइन है तो x y इंक्रीमेंट हुआ है, x डिक्रीमेंट हुआ है, x की वैल्यू नेगेटिव में गई है। टू अप्लाई द मिड पॉइंट मेथड वी डिफाइन द सर्कल फंक्शन, ठीक है। दिस इज वन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देयर फॉर द फॉलोइंग रिलेशन कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। अगर ये हमारे पास एफ सर्कल जो है, ठीक है, फंक्शन ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या है, लेस देन जीरो है, एफ एक्स वाई इनसाइड द सर्कल बाउंड्री इक्वल टू जीरो, सर्कल बाउंड्री के ऊपर है, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड। अब ये है कि एक सर्कल पॉइंट है ना, ठीक है, ये एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री, अगर ये पॉइंट अंदर है, इस पॉइंट इस एक्चुअल जो है इसके अंदर है, ठीक है, ऑन द सर्कल बाउंड्री, इस बाउंड्री के ऊपर है बिल्कुल इसी पॉइंट पे, या आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल के थोड़ा सा बाहर है, तो फिर ये बाहर जितना है डिपेंड करेगा कि आया बाहर में बहुत ज़्यादा पिक्सल वैल्यू ज़्यादा आगे बहुत गया है, अगले पिक्सल से डिस्टेंस कम है ज़्यादा है, तो फिर ये इसके साथ काउंट होगा। अगर इधर इसके अगले पिक्सल से वैल्यू जो है, इस पर डिपेंड करेगा कि आया इसका पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड है। तो ये हमारे पास तीन जो है वैल्यू सकती है, या इससे थोड़ा ऊपर, या थोड़ा नीचे, या बिल्कुल इसी पॉइंट पे। सो यहाँ पे देख रहे हैं इसका द सर्कल फंक्शन सेट टेस्ट गिवन अबव एंड परफॉर्म फॉर द मिड पॉइंट बिटवीन द पिक्सल्स नियर टू द सर्कुलर पाथ, जैसे मैंने बताया कि ऊपर उसके पॉइंट के नीचे सर मैंने इक्वेशन डिस्कस किया है, एंड ईच सैम्पलिंग स्टेप, ठीक है। सो दस द सर्कल फंक्शन इज द डिसीजन पैरामीटर, कि आया ये जो पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट है, तो आया ये ऊपर है या नीचे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा, डिपेंड करेगा जितना उससे कम डिस्टेंस होगा, ठीक है। फंक्शन डिसीजन पैरामीटर इज़ इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम, एंड वी कैन सेटअप इंक्रीमेंटल एल कैलकुलेशन फॉर दिस फंक्शन एज वी डिड इन द लाइन एल्गोरिदम, जिस तरह हमने लाइन एल्गोरिदम में किया इस तरह हम इसमें ये करेंगे, ठीक है। तो ये वाई के, तो ये वाई के माइनस वन नीचे आया है, तो के की वैल्यू, वाई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, ये वाई एक्स के है, तो एक्स के प्लस वन के साथ में ये एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, तो अगर हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्स के और वाई के की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। सो एक्स और वाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो कि इसका सर्कल का फार्मूला है। फॉर गिवन अबव फिगर गिवन अबव शो द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कैंडिडेट पिक्सल्स एट द सैम्पलिंग पोजिशन एक्स के प्लस वन, एज्यूमिंग वी हैव टू प्लॉट द पिक्सल एट एक्स के वाई के, टू देन वी नेक्स्ट नीड टू डिटरमाइन वेदर द पिक्सल एट द पोजिशन एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के, आया ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पिक्सल की वैल्यू अब नीचे आ रही है ना, नीचे आ रहा था तो इसलिए वाई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है, और इस साइड पे जा रहा है इसलिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि अगर इधर से इधर आ रहा है तो वाई तो कम हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, और इस साइड पे जा रहा है राइट साइड पे, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। वी नेक्स्ट नीड टू डिटरमाइन वेदर द पिक्सल एट पोजिशन एक्स के प्लस वन वाई के, अब वाई के वही है और वो सेम ही है, और एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, डिपेंड करेगा ना कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, कौन सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंक्रीज डिक्रीज का वो हो रहा है, वन एट द पोजीशन एक्स के प्लस वन एंड वाई के प्लस वन, हमारे पास ये तीन ऑप्शन हो सकती हैं, या तो वाई की वैल्यू सेम होगी और एक्स की वैल्यू सेम होगी, या दोनों इंक्रीमेंट होगी, या एक इंक्रीमेंट और दूसरी डिक्रीमेंट होगी, दोनों में से, ठीक है, बारी बारी, इज़ क्लोजर टू द सर्कल, ठीक है। अब ये पॉइंट किस से, ये जो इससे वैल्यू आ रही है किस सर्कल के सरकमफेरेंस से कितना क्लोजर है। आवर डिसीजन पैरामीटर इज द सर्कल फंक्शन इवेल्युएटिंग एट द मिड पॉइंट बिटवीन द दीज पिक्सल्स, सो पी ऑफ के पॉइंट ऑफ ऑन द के कोई पोजीशन है, फॉर एफ सर्कल फंक्शन ऑफ सर्कल एक्स के प्लस वन कमा वाई के माइनस वन बाय टू, दैट इज़ वन बाय टू है, हाफ गया है, अब ये हाफ कितना है, ठीक है, डिपेंड करेगा, उसकी कैलकुलेशन होगी।
ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वही वाई वाला कोऑर्डिनेटर माइनस आर स्क्वायर. इफ एफ पी के इज लेस देन जीरो देन द मिड पॉइंट इनसाइड द सर्कल. ठीक है सर, हमने ऊपर डिस्कस किया. एंड पिक्सल ऑन द स्केन लाइन वाई के इज क्लोजर टू द सर्कुलर बाउंड्री, अदरवाइज द मिड पोजिशन एट द आउटसाइड ऑफ द सर्कल बाउंड्री. या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा. आउटसाइड इनसाइड में देखेंगे कि कितना क्लोजेस्ट है. एंड वी सेलेक्ट अ पिक्सल ऑन द स्केन लाइन वाई के माइनस वन. तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, ठीक है, सही है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड देन सक्सेसिव डिसीजन पैरामीटर आर ऑब्टेन यूजिंग द इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन. कि आया डिसीजन हमने लेना है तो पॉइंट हमारा ऊपर जाएगा, उसके विद इन द सर्कल जाएगा या आउटसाइड ऑफ द सर्कल जाएगा. ठीक है, सो वी ऑब्टेन द रिकर्सिव एक्सप्रेशन ऑफ आर फॉर द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर. हर एक पॉइंट पे नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर बाय इवैल्यूएटिंग द सर्कुलर फंक्शन एट अटेम्प्टिंग द पोजीशन. अब ये है कि वाई के प्लस टू है, जो जो वाई के प्लस टू है, सॉरी एक्स के प्लस टू है, तो कितना गया एक्स के प्लस वन से एक पॉइंट अगला गया है, जो कि एक्स के प्लस वन हमारे पास, हमने पहले भी कहा था कि एक्स के प्लस वन अगर जो है एक्चुअली वो एक्स ऑफ के प्लस वन प्लस ये प्लस वन तो ये वाला आ गया है, और ये एक्स के प्लस वन सबस्क्रिप्ट में के प्लस वन अगला ये पोजिशन बता रहा है और ये पिक्सल वैल्यू बता रही है. ये अगर अगले पोजिशन पर है तो इट मीन अगले पोजिशन पे पिक्सल वैल्यू वन इंक्रीमेंट हुई है. तो एक्स ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन, ये वाला इक्वल है और ये तो अपनी जगह आ गया है. तो ये हमारे पास ये एक्स के प्लस वन प्लस वन एक्स के प्लस टू हमारे पास आ गया है. ठीक है, फिर जो है एफ ऑफ के प्लस वन एफ सर्कल. अब ये है कि ये जो वैल्यू है के प्लस वन हमने यहाँ से लेना है. ठीक है, के प्लस वन प्लस वन, अब एक्स ऑफ के की जगह हमने एक्स के प्लस वन ले लिया है. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ के था तो ये भी सिर्फ ये के था तो ये भी के था. अब ये के प्लस वन है तो एक्स के प्लस वन जो है एक्स के जो है हमारे पास ये प्लस वन हो गया है. ठीक है, ये जो है ये सिर्फ के था तो ये भी सिर्फ के था. अब ये के प्लस वन है तो ये भी के प्लस वन हो गया है. तो ये वाली वैल्यू और ये वाला वन जो है ये अपनी जगह पे आ गया है, और ये एक्स वाई के प्लस वन वाई के है, ये इधर पी के है तो ये पी के प्लस वन है तो ये वाई के प्लस वन हो गया है. माइनस वन बाय टू, इधर के इंक्रीमेंट है, इधर उधर नहीं है, इधर इंक्रीमेंट है तो इधर भी इंक्रीमेंट हो गया और इधर भी इंक्रीमेंट हो गया है, दोनों में इंक्रीमेंट हो गया है. अब इसको हम कैसे लेंगे, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें पता है क्या है, एक्स के प्लस वन प्लस वन, जो कि इससे हमने लिया है. और एक्स के प्लस वन तो ये एक्स के की जगह एक्स के प्लस वन आ गया है, और ये वन हमारे पास अपनी जगह पे आ गया है. वाई के की जगह वाई के प्लस वन आ गया है. माइनस वन बाय टू वाई वाई वन बाय टू अपनी जगह, और ये आर अपनी जगह है. असल में एक्स के की जगह हमने एक्स के प्लस वन लिखा और वाई के की जगह हमने वाई के प्लस वन लिखा, बाकी वही वन इक्वेशन है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम टू, इसको हमने इससे माइनस करना है. तो फर्स्ट थर्ड सेकंड इक्वेशन पी एफ के प्लस वन है और ये माइनस करना है तो ये पी एफ के है तो ये आ गया है. अब इस इक्वेशन से हमने ये माइनस करना है तो ये इक्वेशन तो हमने एज इट इज़ ये लिख लिया है, ये वाला. और ये जो है यहाँ से इस माइनस के बाद, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने ये वाला लिख लिया है, क्योंकि ये पूरा माइनस हुआ है तो ये माइनस इस सबसे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो अपनी जगह पे आ रहा है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस एक्स के प्लस वन होल स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाके ये प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है, और ये अपनी जगह, और ये माइनस इधर माइनस जाके ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है ये अपनी जगह. ठीक है, अब यहाँ से ये जो है ये स्क्वायर्ड वैल्यू है, ये ए हमारे पास है सपोज, और ये हमारे पास बी है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिस तरह का फार्मूला है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए हमारे पास और ये बी है, वन हमारे पास बी है. तो ए स्क्वायर ये ए है, एक्स के प्लस वन ये ए हो गया पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वन हमारे पास बी है, वन स्क्वायर वन ही आएगा, प्लस टू ए बी, टू
ये a है एक्स के प्लस वन और b हमारे पास वन है, तो मल्टीप्लाई करके ये पूरा जो ये वाला जो इक्वेशन है ये इससे आया है, एक्स के प्लस वन इंटू प्लस होल स्क्वेयर इससे आया है। अब ये वाला जो है ये भी उसी फार्मूले से है, मगर ए स्क्वेयर, ये ए है और ये बी है, ए और ये बी, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर वाला सीन है, ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर मैट्रिक के फार्मूले में है, मैट्रिक के मैथ्स में, सॉरी। सो ए और ये बी, ए स्क्वेयर ये इसकी जगह ये है, ठीक है। ए स्क्वेयर ए क्या है, वाई के प्लस वन, ठीक है। तो k प्लस वन तो सबस्क्रिप्ट है, ये तो वो नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं होगा, तो y हो गया है ना, y k प्लस वन, तो y ये y k प्लस वन स्क्वायर हो गया है, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास वन बाय टू है, तो वन बाय टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो वन बाय टू होल स्क्वायर से क्या आता है, वन बाय फोर, एज यू नो, माइनस टू ए बी, अब माइनस टू ए बी है यहाँ पे, ज़रा लिखती हूँ, माइनस टू ए बी है, ठीक है। तो ये टू ये जो आया है ना, माइनस टू, अब ए हमारे पास क्या है, वाई के प्लस वन, ठीक है, ए बी और ये वन बाई टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों तो आ गए। अब ये जो आया है माइनस टू ए बी, ठीक है, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ये ए था ये बी था, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो माइनस वाई के प्लस वन रह गया है, समझ आ गई। अब यहाँ जो है माइनस आर स्क्वायर, ये अपनी जगह आ गया है, और ये फिर हम इसको ओपन करेंगे, एक्स के प्लस वन होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, प्लस टू ए बी, टू ए जो कि एक्स ऑफ के है, ठीक है, टू तो अब फार्मूले वाला एक्स के ए है और बी वन है, तो वो वन अपनी जगह, माइनस वाई के ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर, वही फार्मूला, माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर जो कि ए हमारे पास क्या है, वाई के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर वन बाय फोर, वन बाय टू स्क्वायर से वन बाय फोर स्क्वायर आएगा, और टू ए बी, तो टू माइनस टू ए क्या है, वाई के है, और बी क्या है, वन बाई टू, तो ये दोनों कट हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास माइनस वाई के आ गया है, ठीक है, माइनस वाई के, और ये बाहर भी माइनस है, क्योंकि बाहर भी माइनस है और अंदर फार्मूले वाला माइनस है, प्लस आर स्क्वेयर, तो ये वाला हमारे पास ये पूरा इक्वेशन आ गया है। अब ये जो है, ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, सॉरी, ये भी खुल गया है, ओपन हो गया, ये माइनस आर है, ये माइनस इस सबसे मल्टीप्लाई है, तो माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस वन माइनस टू एक्स के, ये माइनस फिर इन सबसे मल्टीप्लाई है, तो माइनस वाई स्क्वायर के माइनस वन बाय फोर प्लस वाई के, और ये आर हो गया है, ठीक है। फिर अब ये एक्स प्लस वन, एक्स के प्लस वन, ये भी वही फार्मूले से ओपन होगा, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए ये इस ए और वन बी इससे ओपन हो गया, प्लस वन ये वही ए प्लस बी होल स्क्वायर से है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू फार्मूले वाला ए ये है और बी वन है, जो कि वन मल्टीप्लीकेशन में वन ही आता है। टू एक्स के प्लस वन ये अपनी जगह आ गया है, वाई के प्लस वन ए वाई स्क्वायर ये तो अपनी जगह, ये बाकी सारे जो है ये अपनी जगह पे आ गए हैं। अब ये देखना है कि हमारा किस से किस कौन सा काटो, थे आर स्क्वायर कहाँ से के साथ कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, फिर माइनस वन बाय फोर जो है इस प्लस वन बाय फोर से कैंसिल हो रहा है, फिर जो है माइनस टू एक्स के, माइनस टू एक्स के और प्लस टू एक्स के, ठीक है,
और फिर ये माइनस वन है तो ये माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर के इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अभी सारे जो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी जो कैंसिल होती वो ख़त्म हो गई है, माइनस और प्लस वैल्यूज़ जो थी एक दूसरे के साथ जो कैंसिल हो रही थी, तो ये वो हमारे पास फाइनलाइज्ड वैल्यू आ गई। ये वाली ये हो गई, ये वाली ये हो गई, ये वाई के, ये वाली वैल्यू वाई के, वाई स्क्वायर के प्लस वन और वाई स्क्वायर के, इस दोनों को इकट्ठे लिया है इधर ये और ये, और वाई के प्लस वन ये माइनस तो अपनी जगह वाई के प्लस वन और वाई के, तो दोनों में से माइनस कॉमन लिया है वाई के प्लस वन, माइनस ये माइनस लिया है तो ये इधर माइनस इसलिए क्योंकि ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो वन है ये वाला वन या ये वाला वन है ये इधर रह गया है। ठीक है, सो वाई के प्लस वन इज़ आइदर वाई के आर माइनस आर वाई के माइनस वन डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ पी एफ के। ये पी एफ के जो था, पी एफ के फर्स्ट पॉइंट था, तो पी एफ के प्लस वन अगला पॉइंट था, अगला सर्कल पे अगला पिक्सेल पोजीशन था। ठीक है, तो फिर पी एफ के प्लस टू भी इस तरह फाइंड आउट हो सकता है। ये तो हमने दो पिक्सल्स के दरमियान जो स्मॉल पॉली लाइन है उन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो नज़र भी नहीं आता। ठीक है, जो स्मॉल पॉली लाइन वन पिक्सल और दूसरा पिक्सल, पहला पिक्सल जो था लाइन का, फिर उसके बाद अगला 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 जो पिक्सल सर्कल को कम्प्लीट करता है। ठीक है, सो वे वाई के इज़ आइदर, ये तो इंक्रीमेंट होगा, डिपेंड डिक्रीमेंट होगा, देयर फॉर इफ़ पी एफ के लेस दैन जीरो आर नेगेटिव देन द वाई के प्लस वन विल बी दिस वन एंड फार्मूला विल बी दिस इन दिस, इस तरह होगा। ठीक है, सो पी एफ के टू, ये तो हमारे पास फाइनलाइज फार्मूला आ गया है जो ये वाला है। ठीक है, सो अगर हम ये देखें, कि अगर y की पोजीशन वही है, y k प्लस वन नहीं है, तो ये भी y k हो जाएगा, ये भी y k हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी y k होगा तो ये भी y k होगा, मतलब ये k प्लस वन नहीं बल्कि उसी पोजीशन पे है, तो ये भी हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनलाइज जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी अगले, अगर ये y के डायरेक्शन में आगे नहीं गया, सिर्फ x के डायरेक्शन में गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, बट ये डिफरेंट केसेस हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या x की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी या जो भी आएगा, मगर एक्चुअल जो हमारे पास फार्मूला है दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास वैल्यू आएगी कि x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो x के प्लस वन हो जाएगा, y की इंक्रीमेंट हुई तो k प्लस वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कितना इंक्रीमेंट जाएगा, बाकी इसके मल्टीपल कंडीशंस हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।